विजिट कर कर 50 लाख देने की बात कर कर सलीम साहब भी नहीं आते, फिर उसके बाद कुछ ही दिन में वो भी सीट से निकल गए। कितना अमाउंट लगा रहे सर? जितना भी अमाउंट लगता है, 50 लाख लगो, 10 लाख लगो, 5 लाख लगो, उसको करा देंगे, बस करा देंगे। वो आप लोग का काम है लीगली देखना करना, कितनी प्रॉपर्टी आती है गजट में, क्या है क्या नहीं, वो डिपार्टमेंट का काम है। आप लोग को तनख्वाह मिल रही है, आप लोग का काम है, हम लोग का काम नहीं है। हम लोग को दिखाना है, हमको तकलीफ होती है, मस्जिद है वो हिसाब से हम लोग यहाँ पर विजिट करें। वैसे ही जो है ना मस्जिद के कुछ नज़ारे दिखाऊंगा आपको। एक दो दिन के अंदर काम चालू करा देंगे, यहाँ पर मिस्त्रियाँ नहीं है कहते हम लोग। टाइम सर बोल रहा हूँ, तुमको नहीं मालूम? अरे आप चेक करिए, आप चक्कर बताओ जी, हयूम साहब यहाँ मिसगाइड करते हैं। कितने दिन में ये काम चालू करेंगे साहब? और की मस्जिद है, उसको वीरान होने की वजह से जो है लोग यहाँ पर जनवरा वगैरह ये सब बन रहे थे, अभी इसको जो बर्दाश्त कर सकते मेरे भाई की अपनी कोई वालदा वालिद दादा दादी या नाना नानी की मजारत पर कोई पेशाब गोबर वगैरह रहे, हदबंदी अगर हो जाती तो आज ये विलादत होगी कि कौन बर्दाश्त करता कि अपने के जितने भी यतीम मुस्लिम गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं सकते लिख नहीं सकते बेवाएँ हैं उनकी मदद हो सकती। कुत्ते बिल्लियाँ लौट रहे हैं मस्जिदों में और वहाँ पर कब्रिस्तान में, और यहाँ पर भी जो है ना शराब के बॉटला भी है। तो आप लोगों से अपील करता हूँ, कोई पुरसाने हाल वाला नहीं है यहाँ पर, कोई पूछने वाला नहीं है, मस्जिद का कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है। चीफ मिनिस्टर, न्यू CM, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब अभी अभी CM भी बने हैं माशाल्लाह से। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं, ऐसे ही बाला अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बालापुर कुतुब शाही मस्जिद और बालापुर कब्रिस्तान, और बालापुर में एक कुतुब शाही ईदगाह भी है जिसमें कई 400 साल पुरानी इमारतें हैं। ये इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारे वक्फ बोर्ड को, और नए चेयरपर्सन जो अजमतुल्ला साहब आए हुए हैं, अजमत साहब को चाहिए कि यहाँ पर भी विज़िट कर कर इसके हालात को भी देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गलीज हालत में जो है ना मस्जिद को यहाँ पर है, इसको कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है मस्जिद का, और मस्जिद का कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है। चीफ मिनिस्टर, न्यू CM, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब अभी अभी CM भी बने हैं माशाल्लाह से। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं, ऐसे ही बालापुर की एक मस्जिद भी है कुतुब शाही वहाँ पर, जो मैं कई सालों से उसके पीछे लगा हुआ था, कई ऐसे कंप्लेंट्स दिया, मगर विजिट कर कर 50 लाख देने की बात कर कर सलीम साहब भी नहीं आते, फिर उसके बाद कुछ ही दिन में वो भी सीट से निकल गए। बालापुर कुतुब शाही मस्जिद जो मैं पिछले 3 से 4 सालों से लगा हुआ हूँ और कई ऐसे कंप्लेंट्स और RTI भी दिया हूँ, तब भी यहाँ पर कुछ काम नहीं होता है। कुतुब शाही मस्जिद, बालापुर कब्रिस्तान, और उसके बाद में ईदगाह, ये जो मैं अभी ठहरा हूँ ये ईदगाह है, यहाँ पर कई सालों से ये ईदगाह ऐसे ही है। 400 साल पुराने हेरिटेज के इमारतें हैं जो हमारे कब्जे होते जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर
सख्त से सख्त जो है ना एक्शन ले, जो भी लोग जो है ना ये प्रॉपर्टीज़ को खा रहे हैं। मैं हुकूमत से अपील करूँगा, कांग्रेस के न्यू चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से भी अपील है कि वक्फ़ को जुडिशल पावर दे ताकि वो अपना पावर सही इस्तेमाल कर सके। और मैं ये भी कहूँगा कि जामिया निज़ामिया के या कोई ऐसे काबिल लोगों को जो है ना वक्फ बोर्ड के अंदर लाए ताकि जो है ना वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है ना कई गरीब और मुसलमान यतीम बेसहारा बेवाओं की मदद हो सके। मैं अपील करता हूँ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से और तमाम हुक्मरानों से, जैसे ही आवाज़ को अपनी रेस कर रहे हैं वैसी आवाज़ को रेस करें। देखिए बालापुर की कुतुबशाही मस्जिद वैसी वीरान पड़ी हुई है, कुत्ते बिल्लियाँ वहाँ पर लूट रहे हैं, वैसे ही जो है ना कब्रिस्तान की हालत ख़राब हो गई है। सुनने में ये भी आ रहा है कि उसको पैसे भी सेंशन हुए। वैसे ही जो है ना यहाँ पर ये ईदगाह है, इतनी खूबसूरत मस्जिद है, इतनी पुरानी इमारत है, मगर इतनी खूबसूरत इमारत है माशाल्लाह से, मगर कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। ऐसे ही सुनने में ये भी आ रहा है कि पैसे सेंशन हुए मगर आज तक कुछ उसका वहाँ पर वो नहीं हुआ है। मगर समीता इंदिरा रेड्डी मैडम भी यहाँ की MLA है, मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि इसके ऊपर तवज्जो दे। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि लास्ट टाइम जब सलीम साहब विजिट करे थे तो 50 लाख भी अगर लगेंगे तो हम लगाएंगे बोलकर बोले थे। वीडियो भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी, बालापुर कुतुबशाही मस्जिद अगर मारेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो वैसे ही ये मस्जिद है, ये मस्जिद कई सालों से वीरान है और इस मस्जिद को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम मुसलमान हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुक्मरानों तक पहुँच सके। आज वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ काम नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी ऐसा है। कई कंप्लेंट्स दिया हुआ हूँ मैं, 4-5 साल हो गया, एक्नॉलेजमेंट्स भी बड़े हुए हैं, मगर तब भी जो है ना हमारे मस्जिदों को इग्नोर किया जा रहा है। मैं गुजारिश करूँगा अगर जुडिशल पावर देंगे वक्फ बोर्ड को तो बेहतर हो सकता, और यहाँ के जितने भी यतीम मुस्लिम गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं सकते लिख नहीं सकते बेवाएँ हैं उनकी मदद हो सकती। कुत्ते बिल्लियाँ लौट रहे हैं मस्जिदों में और वहाँ पर कब्रिस्तान में, और यहाँ पर भी जो है ना शराब के बॉटला भी है। तो आप लोगों से अपील करता हूँ, कोई पुरसाने हाल वाला नहीं है यहाँ पर, कोई पूछने वाला नहीं है, मस्जिदें वीरान हो गए हैं यहाँ पर, ताकि इसको कम से कम हकबंदी भी कर लिए तो बेहतर हो सकता। वो आप लोग का काम है लीगली देखना करना कितनी प्रॉपर्टी आती है गजट में क्या है क्या नहीं, वो डिपार्टमेंट का काम है। आप लोग को तनख्वाह मिल रही है आप लोग का काम है, हम लोग का काम नहीं है। हम लोग को दिखाना है, हमको तकलीफ़ होती मस्जिद है वो हिसाब से हम लोग यहाँ पर विज़िट करें। वैसे ही जो है ना मस्जिद के कुछ नज़ारे दिखाऊंगा आपको। आइए बेब भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं क्राइम न्यूज़ रिपोर्टर के साथ यहाँ पर आया हूँ। ये खुली कुतुबशाही मस्जिदें हैं जिसके लिए वो ज़माने में वक्फ हुई थी यतीम बेवाओं और यसीरों के लिए, कुछ अपने माल गनीमत में से कुछ हिस्सा निकाला जाता था, लेकिन अभी इसको कोई पुरसाने हाल वाला नहीं है। जैसा कि सबने कहा था कि जुडिशियल पावर देंगे वक्फ बोर्ड को, जो कि अभी तक नहीं दिया गया। ये जितने भी खुली कुतुबशाही मस्जिदें हैं तमाम का रिकॉर्ड्स करके इंस्पेक्शन करके 1954 या उससे पहले से लेकर तमाम को दिए तो उसका मेंटेनेंस होगा, जिसकी तरफ से जिनका मकसद था कि बेवा यतीम यसीरों की मदद की जाए, ये वफ के लिए जिसके लिए छोड़े वो अभी काम नहीं आ रहे। तो अगर ये राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जब आ जाएगा तो यतीम यसीर बेवाओं के लिए उनकी मदद हो जाएंगी, तालीम आफ्ताब होंगे, वो पेंशन्स आएंगी उनको इसकी तरफ से। इस बात पर थोड़ा गौर करिए। ये मेंबर है, देखिए आप, इलाका घर है, वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर आप अल्लाह का घर अगर आबाद करेंगे तो जन्नत में एक घर आबाद कराए जैसा होगा मेरे भाई। जिस तक भी ये न्यूज़ जा रही है उसको आगे से आगे तक शेयर करिए। देखिए हमारे मीम भाई आए, खून बहा रहे, इसके लिए आपका भी काम है, सिर्फ आप एक शेयर करिए।
ठीक है। ये माशाल्लाह ये मेंबर है, देखिए बेहतरीन है माशाल्लाह, बहुत खदीम मेंबर है, मगर मस्जिदों की हमारे बेदबी हो रही है, अच्छा नहीं लगता, तकलीफ़ होती है, हमारे मस्जिदें ऐसे वीरान हो गए, कोई इबादत कर सकते आके, ये हकबंदी कर दिए तो हमारी ये हेरिटेज के चीज़ें, ये प्लेस और ये मस्जिदें, ये ईदगाह, ये सेफ हो सकते हैं। देखिए अब इसकी कैसी हालत हो गई यहाँ पर, ऐसे कहीं हैदराबाद में कई ऐसी जगहों पर है, मगर इसको पूछने वाला कोई नहीं। आखिर क्या होगा 2024 में भी, अब नए चेयरमैन साहब जो बैठे हैं, मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि आप अब आगे बढ़कर मस्जिदों की प्रोटेक्शन देंगे, आप क्या विज़िट करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करिए और विज़िट करिए चेयरमैन साहब, आपसे भी अपील है। थैंक यू सो मच। हदबंदी अगर हो जाती थी तो आज ये विलासत नहीं बर्दाश्त करता कि अपनी अहलो आयाल जो गुजर चुके हैं इस दुनिया में, वो गाय का पेशाब, गाय का गोबर, एक बार सोच के देखिए कि अपने कोई बड़ों की खबर पे अगर कोई गाय का पेशाब या गोबर अगर रहा तो क्या एहसास होता, कितनी तकलीफ होती अपने। ये पुराना खदीम कब्रस्तान है, आप लोग मज़ारात भी देख सकते हैं, आगे गाय को खूंटे से बांध कर जा चुके हैं, वो पेशाब कर रही है, गोबर कर रही है। यहाँ पर कोई बर्दाश्त कर सकते मेरे भाई की अपनी कोई वालदा वालिद, दादा दादी या नाना नानी की मज़ारत पर कोई पेशाब गोबर वगैरह रहे? इसको जल्द से जल्द हदबंदी करना चाहिए। मैं सीएम साहब से और वक्फ बोर्ड जिसके अंडर तमाम कब्रस्तान आते हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, दर्दमंदाना अपील करता हूँ हैदराबाद के तमाम मुसलमानों की तरफ से कि यहाँ पर जल्द से जल्द बाउंड्री वॉल का अहतमाम किया जाए रमज़ान शरीफ से पहले। खुदा हाफिज़।